नाम? अजीत सिंह राठौर। तो अजीत सिंह जी, बताओ कि बार चुनाव चल रही है, कहे चुनावी समीकरण है? समीकरण ये सब मान सिंह जी जीत रहे हैं प्रोफेसर। तो की अंदाजो लगाए हो कि मान सिंह जी जीत रहे हैं? मान सिंह जी 10 साल को जो कार्यकाल हो बड़ी बढ़िया कार्यकाल हो और कटेल कोई लड़ाई दंगा कोई झूठा मुकदमा मुकदमा कुछ भी को नहीं आ, सब शांति हो रहे वहाँ। ये 5 साल के मायने अति अराजकता फैली हट है, ये की हद नहीं है। और ये गांव में वर्तमान विधायक जो रामिया जी गावड़िया है, वे 5 साल पहले आया था वोट मांगबन जनक्यो युवा आपके द्वार, 5 आचार संहिता लागी, दोबारा आज आबड़ आए वे यू पहले कदे को नहीं है गाँव में काम करा। वो दूर की बात है, कोई के सुख दुख में को नहीं भाई, कोई ब्याह में कोई के मोसर में कटे नहीं है। अच्छा, मतलब ओ तो थे बता दियो। अब 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही है जी, कांग्रेस बीजेपी और आरएलपी के साथ एसपी गठबंधन के साथ में है। हाँ सर। तो एक का समीकरण बनी मान सिंह जी की जीत हो सके? मान सिंह जी के आपने पता है पिछली बार भी राकेश जी मेघवाल खड़ा है, आपने चुका पूरे विधायक का विजय दू, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विकास पुरुष मैं 26,000 वोट लेगा। आपकी बार राकेश जी बीजेपी में खुद की पार्टी के साथ है, मान सिंह जी के साथ है, ठीक है। तो और पिछली बार 61,000 वोट है यार, यहाँ को समीकरण हो तो भी 10 साल में जिनके लोगों ने मारिया राणा सर कांड देख लियो, गांव गांव दलित महिला को बलात्कार देख लियो, ठीक है, बी के बाद में बकरी में देख लियो कि मैं बाप हूँ सबको, वो हॉस्पिटल बनाया है वो गांव की माटी में बनाई ना कि बजरी में बनी है, लोग के हॉस्पिटल बना दियो साहे कदी पड़ सका बिल्डिंग कोई भरोसा बनी हो, यदि कोई विरोध हो तो विधायक अटरात का डरा बनाई हो बकरी में लोगों के, मैं वो बाप हूँ कलेक्टर मारे सामने नहीं आ सके, मैं चाहूँ जी यान की बनी जी यान की दादागिरी विधायक की। और मान सिंह जी आप 10 साल का कार्यकाल में देख लो कटे तू ही बोल रहा कदे कोई नहीं की बैठा, तो काम करवाया ये गांव के मायने राकेश जी मेघवाल मान सिंह जी के अलावा कोई काम नहीं करे हो, उल्टा को हटे आ रोड तो बनी जी बनी और आज लोग बैठ जाते हैं वो कदी पड़ सके। राकेश जी मेघवाल को बनाए उड़े, राकेश जी मेघवाल को बनवाए उड़े, सबने फोन करो, ठेकेदार ने फोन करो, ठेकेदार रामजस गावड़िया का, रामजस गावड़िया का क्या सुनाई करा कि विधायक हो विधायक नशा में चूरा, वो कभी पढ़ सके लोग आ रहा हूँ बेटा करा हाथ हटे बैठे अन्य बैठे अन्य तावड़ा मारा हम छाए बेटा राकेश जी बना हर गांव में बनाउडो बढ़िया चीज स्कूल आटी तक राकेश जी करा लोग मान सिंह जी लगा आरो प्लांट मान सिंह जी कराउडो एक ट्यूबवेल राकेश जी एक मान सिंह जी। ये गाँव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में काम यो है, कांग्रेस कदे काम नहीं करे। मोहनलाल जी या तो आता तो सही गाँव में ए बाहर वाले विधायक जी तो कोई सुख दुख में बुलाया काम करा, दूर की बात एक ईट ही मिल गई गाँव का। आपको नाम? उगमा राम है। तो उगमा राम जी बताओ के तने पुराना कार्यकाल क्यान काई लग्या, ता गांव को विकास क्यान काई रियो? विकास काई रियो है रोंगड़ा जगह तो भी उपड़िया को नहीं काई एर ए स्टैंड पर पिलर जगह टूट गया, 1 साल में 2 बारी फोन करियो रामजास गावड़िया ने फोन उठाई को नहीं कियो करवा दियो कोई सफर थोड़ा टूट को ना बोली हुए पानी की दिक्कत परेशानी पानी की खातर फोन करना पड़े रोटी बिना रह जाओ आदमी अन्न बिना पानी बिना कौन रेणी हमें हाँ काई काम करवाइयो बताओ बोर्ड को कोई सड़कों को पढ़ाई हो तो बोर्ड को 5 साल का मान रे दम पड़ पड़ दांत टूट गया मका लाग लाग बकरियों से जो तो नरमा बकरिया वो जटा तक वो काम काई काम करवाई हो तो विकास पर बात मतलब थाने ते ना खुश हो विकास ट्यूबवेल पड़ी है एक दिन मोटर। अच्छा है ना बिल्कुल ही है मोटर काट लेगा गांव की ट्यूबवेल को छपटो काट लेगा 5 साल होगा जका ने मैं कोई एडजस्ट कर घर का पीछे हूँ कैसा घर का पीछे हूँ जया कुछ एरिया वार्ड पंचा घर का पीछे हूँ घर का पीछे हूँ यार मैं गर्म पानी कर लियो 50 रुपति नरेगा में कोई की हाजिरी बन 50 रुपति कोई की नरेगा ही कौन चाल बाती करा कहीं तो बात होगी। अब थे आने तक कार्यकाल ने देखता हूँ कौन सपोर्ट करो अब माके तो सारी बीजेपी है मैं मान सिंह जी ने वोट दिया वहाँ बल्ले हारे बल्ले माके जीते। अच्छा तो मान सिंह जी के 10 साल कार्यकाल कहीं क्या दिया फिर एक नंबर रही माँ को ये समझो एक नंबर में 10 साल का मानना है समझो मान सिंह जी को रिपोर्ट है बताओ के ये तो जवाबदार मुँह के 10 साल पहले का कोई दिक्कत दी कहीं हो कोई परेशान पाया गई आज ये के दिक्कत रामजी आज गाड़िया हम तो ढड़िया का दुखी है